Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss about effective study tips. Now let's begin. Effectively study करने के लिए morning की timing जो है वो best timing है. Morning की timing 4 AM to 6 AM. 4 AM to 6 AM की जो timing है वो best timing है. इस timing में क्या होती है, हमारा माइंड जो है वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से वर्क करता है. हमारे माइंड में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है 60% टू 80% ऑक्सीजन का लेवल होता है. इस टाइमिंग में क्या होती है, हमारा माइंड जो है, जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हम याद करते हैं, हमारा माइंड अच्छे से कैच करता है एंड उसे याद रख पाता है लॉन्ग टाइम तक. ये जो 4 AM टू 6 AM की टाइमिंग है, इस टाइमिंग में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से याद रहता है एंड हमारा माइंड जो है वो थका हुआ नहीं रहता है, फ्रेश रहता है मॉर्निंग के टाइम में एंड पूरे कंसंट्रेट होके हम अपने स्टडी को कर पाते हैं. एंड जो 4 AM टू 6 AM की टाइमिंग है, 5 आवर की स्टडी हम 2 आवर में बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं एंड जो भी हम याद करते हैं वो हमें याद रहता है. मॉर्निंग की टाइमिंग है ये बेस्ट टाइमिंग है स्टूडेंट के लिए एंड आप ट्राई ज़रूर करो कि आप मॉर्निंग में अपनी स्टडी को कर पाओ. एंड अगर आप सुबह नहीं भी उठ पाते हो तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ब्रेकफास्ट करने के बाद स्टडी कर सकते हो एंड उस टाइम में भी आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो. बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप मॉर्निंग में ज़रूर उठो. इवनिंग टाइमिंग जो होती है 6 PM टू 7:30 PM, इस टाइमिंग में भी आप स्टडी करते हो तो आपकी जो माइंड है वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ों को कैच करती है एंड उसे याद रखती है. बिकॉज इस टाइम में क्या होती है, हमारे माइंड में जो होती है ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो 50% होती है एंड वो अच्छे तरीके से और इस टाइमिंग में भी हमारा माइंड जो है वो पढ़ाई जो पढ़ा हुआ है उसे अच्छे तरीके से कैच कर सकता है. और मैं आपको ये बोलूँगी कि नाइट में स्टडी आप मत करो, नाइट में स्टडी करना आप स्किप करो. लेट नाइट तक स्टडी करते हो तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है. आप जितना भी पढ़ते हो, आप 4 आवर 5 आवर जितना भी पढ़ते हो तो आप उतना पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हो, लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते हो. बिकॉज आपकी जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है तो इसकी वजह से आप रात में स्टडी करना स्किप करो, लॉन्ग टाइम तक स्टडी नहीं करो. अगर आपको करना भी है तो 1 आवर 2 आवर करो, इससे ज़्यादा मत करो. बिकॉज हमारे माइंड में जो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो 20% रहता है, जिससे कि हमारा माइंड जो है वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता है अच्छे से एंड चीज़ों को अच्छे तरीके से कैच नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाता है. तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो आप लेट नाइट तक स्टडी करते हो तो इन चीज़ों को आप आज से ही छोड़ दो. बिकॉज लेट नाइट में स्टडी करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं देता है. अगर आप लेट नाइट तक स्टडी करते हो तो बाद में वो आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं देता है, आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा. तो मैं आपको ये इस टाइमिंग में आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हो एंड लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हो, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर सकते हो. आपका कोई हार्ड सब्जेक्ट है जिस पे आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हो, उन चीज़ों को आप याद नहीं कर पाते हो, उन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हो, तो आपको ये ज़रूर चाहिए कि आप मॉर्निंग टाइम में 4 AM टू 6 AM के बीच में आप अपने स्टडी को करो, अपने हार्ड सब्जेक्ट को चूज़ करो. जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट हार्ड चैप्टर है, उन हार्ड चैप्टर को आप मॉर्निंग टाइम में अगर स्टडी करते हो, मॉर्निंग टाइम में आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, मॉर्निंग टाइम में आप अच्छे तरीके से उसे याद कर पाओगे, मॉर्निंग टाइम में आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाओगे. तो मैं यही कहूँगी गाइस कि आपका जो भी हार्ड सब्जेक्ट है आप उसे मॉर्निंग में टाइम ज़रूर दो एंड मेडिटेशन ज़रूर करो एंड एक्सरसाइज ज़रूर करो. मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज करते हो तो आपके माइंड की जो कंसंट्रेशन पावर है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है, इंक्रीज करती है. तो आप मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज ज़रूर करो, योगा करो. जो आपके बॉडी में वाटर का जो अमाउंट है वो कम नहीं होना चाहिए, तो आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड ज़रूर रखो करो. डेली का टाइम टेबल सेट करके ही अपने काम को करो एंड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो आप तो टाइम टेबल ज़रूर सेट करो एंड डेली का टाइम टेबल सेट करो एंड मॉर्निंग टाइम में आप स्टडी ज़रूर करो. आपका जो भी हार्ड चैप्टर है उसे आप पहले पढ़ो एंड आपका जो भी हार्ड चैप्टर है उस चैप्टर पे आप ज़्यादा टाइम दो, समझ में आने लगेगा आपको वो चीज़ें याद होने लगेगी. तो हार्ड चैप्टर को आप पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दो, अपने हार्ड चैप्टर को, अपने हार्ड सब्जेक्ट को. उसके बाद आपको जो चैप्टर अच्छा लगता है, आपको जो चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आता है, आपका जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो उन सब्जेक्ट को आप बाद में ही
टाइम दो, इस तरीके से स्टडी करते हो तो अपने स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।